वेलकम टू अंजना सी किचन। आज हम बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आप ये देख रहे हैं, ये पत्तियाँ मुनगे के पत्ते हैं। इसे मोरंगा भी बोलते हैं और सहजन बोलते हैं, जो भी आप इसे बोलिए। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन B1, B2, B5, B6 और कैल्शियम और विटामिन ए और ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है इसमें। और इसमें 100 ग्राम में आप समझिए कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और इसे यूज करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और बढ़ते हुए बच्चों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है और बढ़ती हुई उम्र में भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि हड्डियाँ कैल्शियम से ही मजबूत होती हैं। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। इसे आप पराठे में, दाल में, सब्जी में, किसी भी रूप में इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इन पत्तियों को हमने धो के ले लिया है। अब इसे हम तोड़ तोड़ के इस तरह से अलग कर लेंगे, फिर इसे हम चॉप करेंगे। आप चाहें तो चॉपर से चॉप कर लें, आप चाहें तो नाइफ से चॉप कर लें। तो इस तरह से एक एक पत्ती को आप अलग कर लीजिए, इसके रेशे सारे अलग कर लीजिए और पत्तियों को अलग कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए, हमने सारे पत्तों को इस तरह से तोड़ लिया है और इसी तरह से आपको सारे पत्ते अलग कर लेने हैं। ये गुणों का खजाना है, सहजन का फल और फूल और इसकी जड़ सब बहुत काम में आता है। इसे किसी भी रूप में आप यूज़ करिए। आप बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं खाते हैं तो इसकी पत्तियों को बॉयल करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इसे हम चॉप कर लेते हैं। तो अब इसे हमने सब अलग कर लिया है, जो इसकी पतली पतली वेन्स हैं इसे भी अलग कर लेंगे और इसे चॉप कर लेंगे। तो एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे, उससे हम चॉप करेंगे। तो आप ड्रम स्टिक को जानते हैं, ये उसी पेड़ के पत्ते हैं। यदि आप मुनगा के नाम से नहीं जानते तो ड्रम स्टिक के नाम से तो जानते ही होंगे। तो ये ड्रम स्टिक है, उसी के फल हैं, उसी पेड़ का फल है जिसकी ये हम पत्तियाँ लिए हैं। तो अब इसे हम चॉप कर लेते हैं, इस तरह से एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। उसके बाद इसे हम आटे में गूंथ के इसके पराठे बनाएंगे। बहुत हेल्दी पराठे बनते हैं और इसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने मुनगे के पत्ते डाले हुए हैं। और ये बिल्कुल जिस तरह से हम लोग मेथी के पत्ते डाल के बनाते हैं पराठे, उसी तरह लगेगा। इसका कोई स्ट्रांग फ्लेवर नहीं है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। एक बार इसे ज़रूर बना के देखें। तो ये देखिए, हमारी सब्जी कट गई है। अब हम इसे बना लेते हैं। तो हमने एक कप लिया है आटा, उसमें हम डाल देंगे इसे चॉप किया हुआ जो मुनगा रखे थे पत्ते उसके। और इसमें एक प्याज डाल देंगे मीडियम साइज़ का, छोटा छोटा चॉप करके। और इसमें डालेंगे एक स्पून अदरक ग्रेट करके और एक हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते। और ये देखिए, इसमें हमने एक टीस्पून डाला है कुटी हुई काली मिर्च और एक स्पून डाला है जीरा, एक स्पून अजवाइन और एक स्पून सफ़ेद तिल। इतनी चीज़ें हमने इसमें डाले हैं, इसे ज़रूर डालें। और अब इसमें हम दो स्पून डालेंगे बेसन। बेसन से पराठे हमारे क्रिस्पी बनेंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये हेल्दी पराठा है, इसलिए इसमें हमने आटा और बेसन दोनों ही मिला के बनाया। एक स्पून हमने नमक डाल दिया छोटा स्पून और हाफ स्पून हमने हल्दी डाल दिया, हाफ टी स्पून। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे एक अच्छा सा डो बना लेंगे इसे गूंथ के। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथेंगे। पहले हमने पत्तियों को मिला दिया, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथ लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे न बहुत हार्ड गूंथना न ही बहुत सॉफ्ट गूंथना, जिस तरह से हम लोग चपाती बनाते हैं बस उसी तरह से आटे हमको इसे गूंथ के तैयार करना है। तो इस तरह से 3-4 मिनट हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे, फिर एक स्पून ऑयल लगा के इसे चिकना करेंगे। तो इस तरह से देखिए, आटा हमारा काफ़ी हद तक गूंथ गया है। और अब इसमें हम एक स्पून ऑयल डाल के चिकना करके इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद हम पराठे बनाएंगे, तो पराठे हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, कितने अच्छे से हमने इसे नीट किया है। और अब इसे इस तरह से आप देखिए, उंगली लगा के, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो इतना सॉफ्ट आटा हमने तैयार कर लिया है। अब इसे रोल करेंगे और इस पर घी लगा के या ऑयल जो भी आपके पास हो लगा के चिकना करके इसे आप 10 मिनट के लिए रख दें। तो इस तरह से देखिए, कितना अच्छा आटा गूंथ के तैयार हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा आटा गूंथने में, 1 मिनट 2 मिनट आप टाइम देंगे तभी आटा अच्छा गूंथेगा।
और इसमें हम ऑयल लगा करके अब ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसे बनाएंगे, जब तक ये रेस्ट करेगा जब तक हम चटनी बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए आटे को पूरा हमने ऊपर से ऑयल लगा दिया है, अब इसे ढक करके हम रख देंगे। इसी तरह से आटा गूंथना चाहिए। तो अब इसे हम रख देंगे और चटनी तैयार कर लेते हैं। ये 3 स्पून हमने लिया है बेसन का सेव, और 1 बंच धनिया की पत्ती, 2 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियाँ, और इसमें नींबू का जूस डालेंगे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 1 नींबू का जूस डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। बेसन का सेव डाला इसलिए ये थोड़ा सा पतला ही इसे हमें पीसेंगे ताकि ये बाद में गाढ़ा हो जाए। तो चलिए इसे पीस के फिर हम मिलते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, 2 स्पून पानी डालेंगे। अच्छी हरी चटनी तैयार होती है। थोड़ी सी पतली रखेंगे क्योंकि ये बेसन का सेव थोड़ा फूलेगा तो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने थोड़ा पतला ही बनाया है क्योंकि जब तक हम पराठे सेकेंगे जब तक ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है और अब हम बनाएंगे पराठे। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं रेस्ट करते हुए। अब हम इसे 1 नींबू के आकार का डो लेंगे और इससे पराठे बनाएंगे। बहुत बड़ा नहीं बनाना है ना बहुत छोटा बनाना है, बस छोटी छोटी लोई लेंगे और इससे हम पराठे बनाएंगे। थोड़ा सा सूखा आटा रेस्ट करेंगे और उस पर इसे रैप करके इसे बेलेंगे। यदि आप एक साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी टिफ़िन के ढक्कन से इसे काट के भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे मोड़ के भी बना सकते हैं। शेप जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इसे बना सकते हैं। हम इसे सिर्फ सिंपल सा बना रहे हैं गोल। ये पराठे आप बच्चों को दीजिए, टिफ़िन में दीजिए, लंच में ले जाएँ बच्चे, हस्बैंड को दीजिए, किसी को भी दीजिए, ये बहुत ही पौष्टिक पराठे होते हैं। और आप इसे अगर एक मुट्ठी इस पत्ती को डेली यूज़ करते हैं तो कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगा आपकी बॉडी में, और ये बीपी और शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। इससे बीपी कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होता है, ये बहुत हेल्दी पराठा है। तो इसे आप ज़रूर सेवन करें। इस तरह से हमने देखिए बना लिया है, अब इसे हम सेक लेंगे। तवा हमने चढ़ा दिया, तवा गर्म हो गया है और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। जब तक ये सिक रहा है जब तक हम दूसरा बना लेते हैं। इस तरह से उस पर भी आटा रेस्ट करेंगे और इसे भी बना लेंगे। तो इस तरह से पहले हम हाथ से प्रेस करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे, फिर इसे आटा में रैप करके बेलेंगे। बहुत मोटा नहीं बहुत पतला नहीं, मीडियम का इसे हमें बनाना है। और ये देखिए सेब भी आप अपने हाथ से थोड़ा बहुत दे दीजिए जहाँ कहीं टेढ़ा हो रहा है। तो हमारा दूसरा पराठा भी बिल गया और इसे हम पलट दिए हैं जो तवे पर डला हुआ है। इसमें हम घी लगाते हैं, हम घी से बनाएंगे पराठा। घी से बनाने से बहुत टेस्टी बनता है। आप अगर घी नहीं है तो रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये हेल्दी पराठा एक बार बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा बना ये। तो ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे सेकना है, बहुत हाई हीट पे नहीं सेकना, नहीं तो जल जाएगा और पराठा कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे सेकने से इसे हम प्रेस कर करके सेकेंगे ताकि क्रिस्पी और करारे पराठे सेकें। तो इस तरह से आप देखिए स्पून से इसे इस तरह से प्रेस करके सेकेंगे तो क्रिस्पी पराठे बनेंगे। तो ये देखिए हमारा पराठा सेक के तैयार हो गया है। अब हम इसे उतार लेंगे, दूसरा पराठा इस पर सेक लेंगे। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको सेकना है। तो कितना अच्छा कलर आया है और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छा बनता है ये पराठा। इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं और ये टेस्टी इतना लगता है कि एक बार खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। तो देखिए हम दूसरा पराठा सेकने लगे हैं। ये मूंगा और सहजन का जो पत्ता है इसे आप दाल में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। सब्जी किसी भी सब्ज़ी में आप इसे काट के डाल दें, बहुत हेल्दी होता है ये। तो इस तरह से देखिए दोनों तरफ पलट पलट के हम इसमें घी लगा के सेक लेंगे और अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें इसे प्रेस करके सेकना है। तो ये भी हमारा सिक गया पराठा। तो ये पराठा हमारा सिक के तैयार हो गया। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसे तोड़ के कितना सॉफ्ट ये है। बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। देखिए हमने इसे तोड़ के भी दिखाया, इसे कितना सॉफ्ट पराठा बना है।